वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सफर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा मेरी वैगनार का, और वैगनार के अंदर यहाँ पर मैंने 7 इंचेस का प्लेयर लगा रखा था, जो कि मैंने थोड़ा अंदर रखा हुआ है। यहाँ से वो हटाकर मैं 9 इंचेस का प्लेयर लगा रहा हूँ, जो कि इसमें जगह नहीं होती, बट फिर भी मैंने जगह बनाने की कोशिश की है। और जो उसका ऊपर का फ्रेम होता है, इस फ्रेम पे मैं उसको लगा रहा हूँ। तो एक बार आप देख लो कौन सा मॉडल है मेरा, ठीक है। पुरानी वाली जो वैगनार थी अपनी, वो होने वाली है, और अभी इसका टाइम है आराम से, तो अभी मैं चला सकता हूँ। तो मैंने 2000 जो 9 इंचेस का प्लेयर आता है वो मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ चलिए दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरी जो गाड़ी के अंदर प्लेयर लगा था वो कुछ ये वाला प्लेयर लगा हुआ था, 7 इंच का ये वाला प्लेयर मैंने पहले लगवाया था, करीब मुझे स्मार्ट सोनिक का प्लेयर था, और इसको मुझे यूज़ करते हुए अप्रॉक्स 1.5 ईयर समथिंग होने जा रहा है। और जो कि मैंने लास्ट ईयर जनवरी में शायद इसको परचेज़ किया था और पूरा लगवा के लेके आया था, जो कि मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। एंड नाउ मैंने ये वाला प्लेयर इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो अभी सिर्फ ये रखा हुआ है, कैसे कैसे करके मैंने इसमें क्या क्या किया है पहले आपको वो बता देता हूँ। देखो पहले अभी फिलहाल के लिए ये है, ठीक है। अपनी पुरानी वाली जो ग्रिल थी वही ग्रिल होने वाली है। एक बार उसको करते हैं उल्टा और आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ मैंने इसमें कलाकारी करी है। पहले थोड़ा सा इसमें होल्स वगैरह कर लूँ जैसे मुझे करने हैं। तो भाई ये रहने वाला है अपना आयरन। तो अपनी एक शॉप है, ठीक है, जो कि जो हमारे टीवी वगैरह होते हैं उसकी है, बाकी माइक्रोटेक के अपने इन्वर्टर वगैरह लगते रहते हैं, माइक्रोटेक्स वगैरह के, और यहाँ पे आपको अमेजोन वगैरह देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अपनी शॉप भी है जो कि हमारी, और ये हमारी मेरी स्कूटी खड़ी हुई है, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर मेरे घर के। एंड यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये आयरन है, जिससे मैंने क्या किया है इसके जो चारों तरफ इसको रोकने के लिए जो उसके पेच होते हैं, मैंने इससे पूरा होल किया है, ठीक है, जो कि गर्म होता है तो तुरंत ही हो जाता है। तो मैंने कैसे कैसे करके एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये चीज़, ये मैंने आयरन से पूरा किया है, ठीक है। ये पुराने वाले के लिए लगा हुआ था दोनों, ये छुप जाएगा तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, ये भी छुप जाएगा इससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी मैंने चारों तरफ ऐसे करके होल किया है, उसके बाद मैंने इसको पूरा का पूरा फिट कर दिया अभी के लिए। यहाँ पर एक पेज रह रहा है जो कि मैं अभी जस्ट यहाँ पर कोई एक पेज ढूंढूंगा यहीं कहीं से, और जैसे मैंने ये लगा दिए ऐसे ही लगा दूंगा। इसके बाद अभी ये रुक तो चुकी है, ठीक है। तो अब ये देख लो साइड से बिल्कुल ये टचिंग में बिल्कुल टच हो रहा है, ऊपर से देख लो, ठीक है, बिल्कुल एस टू एट जो फिनिशिंग होती है वो चीज़ आ गई अपनी। यहाँ पे अपनी ट्रे लग जाएगी और पूरी की पूरी जो अपनी डिस्प्ले, जितना थोड़ा सा ये बाहर आ रहा है हल्का सा, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई थिंक सो, और चलने में एक नंबर लगने वाला। तो चलते हैं इसको पूरा फिट करते हैं, उसके बाद एक बार गाड़ी में लगाते हैं, दिखाता हूँ कैसे मतलब चलने वाला। तो ये वाले को देखेंगे जो शायद बलिनो है उसके अंदर ये वाला लगने वाला है, और ये वाला मेरी गाड़ी के अंदर लग चुका है। हो सकता है ये भी उतर के बलिनो में लग जाए, कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पर अपना सारे पेच लग गए हैं, ठीक है। जो उसकी वायरिंग थी पूरी की पूरी सेम रहने वाली, जो कि मेरे पुराने वाले के अंदर भी थी, ठीक है, एज इट इज़ वही चीज़ मेरे को देखने के लिए, बस डिस्प्ले बड़ी है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये चीज़ होने वाली है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है, ये हो गया पूरा, और यहाँ पर आपको ये चीज़, ठीक है। अब मैं इसको जा रहा हूँ अंदर फिट करने के लिए और दिखाता हूँ कैसे फिटिंग होती है। तो भाई सीन कुछ ये है कि ये आ गया अपना प्लेयर, और इसके अंदर इसकी जो वायरिंग है पूरी लगने वाली है, ये इसकी मेन वायरिंग होती है, इसमें स्पीकर वगैरह सारे वायर होते हैं, ठीक है। ये अपना एंटीने का हो गया, ठीक है, उसके बाद ये वाला हो गया अपना कैमरे का, ये चीज़ होगी हमारी GPS की, और ये हो गया हमारे USB के दो वायर। तो फटाफट इसको करते हैं फिट और उसके बाद करके दिखाता हूँ आपको कैसे चल रहे हैं। तो भाई ये कुछ वायर्स मैंने लगा दिए हैं इसके अंदर, जो कि इसके अभी मैं GPS का इसका जो वायर होता है वो लगा रहा हूँ, ये लगा दिया, ठीक है, और ये अपना GPS का तार लग चुका है। ये वाला अपना कैमरे का होता है, ये दोनों USB के हो गए, ये अपना मैंने बताया था परफ्यूम वाला, ये हमारा वो हो गया USB का, और ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं ये वाला कपलर लगा दूंगा तो ऑन हो जाएगा। तो भाई पहली बार जो हमारा एंड्रॉयड है वो स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे स्टार्ट होगा एक बार देख लो आप। वैसे मैंने इसको एक बार ऑन किया था बिकॉज मैं चला के देख रहा था कैसा लगने वाला है। तो एक बार ये चीज़ देख लो कि वैगनार में 9 इंची का प्लेयर लगा दिया है, बाकी हो सकता है किसी और ने भी दिमाग लगा रखा हो, लेकिन शायद YouTube पे ये चीज़ पहली बार हुई। तो भाई ये चीज़ देख लो आप, पूरा एंड्रॉयड मेरा स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है, पूरा ये ऑन हो चुका है, और कैसा लग रहा है एक बार मुझे आप ये चीज़ बता देना, जो कि मेरे को लग रहा है औसम ही लग रहा होगा, ठीक है। बाकी पूरा देख लो कैसा इंटरफेस हो गया, पूरा 9 इंची का जो प्लेयर होता है वो चीज़ लगने के बाद क्या मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख लो, एकदम कैडी तरीके से मतलब लग दिया है, लगा दिया है, और एकदम फिटिंग देख लो कैसी आई है, सब कुछ एकदम मज़ेदार फिटिंग है, ठीक है। चलाते हैं इसमें कुछ अपना NCS वगैरह, टच रिस्पांस भी एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, टनाटन चल रहा है एकदम। तो बेसिकली चीज़ ये है कि जो 2009 मॉडल गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर अपना ये वाला प्लेयर शायद नहीं लगा हुआ, पूरे YouTube पे शायद पहली बार होगा कि 2009 मॉडल गाड़ी के अंदर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है।
तो बाकी अब इसका टाइम वाइम कुछ भी सेट नहीं है, सब सेट करेंगे। एक बार करते हैं थोड़ा सा चालू, एक बार दिखाता हूँ उसकी लाइट, जो बटनों की लाइट है वो भी ऑन होगी अगर मैं आगे की लाइट ऑन करूँगा तो, एक चीज़ देख लो ठीक है। तो ये भी ऑन ऑफ हो रही है, बाकी एक बार इसको प्ले करते हैं उसके बाद मैं साउंड सुनाता हूँ कैसी होने वाली है। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर लग चुका है 9 इंचीज का प्लेयर। तो ये पूरा फिक्स होने के बाद मैंने पहले चेक किया इसको, उसके बाद मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ। और यहाँ पर आपको अब देखने को मिल रहा होगा जो इंटरफेस है वो मेगासोनिक में जो इंटरफेस आता है वो चीज़ है। ये हमारा प्लेयर जो है वो मेगासोनिक का प्लेयर होने वाला है, जिसमें यहाँ पर जब गाड़ी चलती है तो GPS के थ्रू पे यहाँ पे मुझे किलोमीटर भी दिखाता है कि कितने की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है ठीक है। यानी कि जो ये सुई उठती है अपनी ये वाली, यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो ये चीज़ नंबर में चेंज होगी जब ये बढ़ेगा, जब गाड़ी चलेगी तो धीरे धीरे। बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि यहाँ पर अगर गाड़ी 50 की स्पीड में चल रही है तो यहाँ पे दिखाएगा 44-45, क्योंकि GPS से इतना सा फ़र्क हर किसी में रहता है। अगर आप मैप भी चलाते हो उसमें भी रहेगा। बाकी इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हमारा ब्लूटूथ मिल जाता है हमें, और जो मतलब पहले वाले में थे सेम एज इट इज़ वही फीचर है। फ़ोन लिंक मिल जाता है जिसमें आप अपना जो फ़ोन है वो इसके साथ लिंक, यानी कि एक तरीके से कास्ट कर सकते हो आप फोन, पूरा फोन आपका कास्ट हो जाता है। फोटो देखो, वीडियो देखो फोन में, वो सारा यहाँ पे कास्ट होता रहेगा। जब आपकी गाड़ी में कोई और बैठा अगर आप सबको दिखाना चाहते हो फोन में कुछ फोटो वगैरह कुछ भी दिखाना, तो सब कुछ यहाँ पे कास्ट हो सकता है। इसके साथ साथ गूगल क्रोम वगैरह अवेलेबल है इसके अंदर ठीक है। इनबिल्ट मेमोरी 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी है इसकी। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब, जो कि हम यूजली यूज करते हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर देखने के लिए मिल रहा होगा। यूट्यूब को अगर हम प्ले करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार इसकी साउंड का आउटपुट बता देता हूँ, और साउंड के आउटपुट के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने इसमें एक एम्प भी डाला हुआ है ठीक है। तो जो साउंड आएगी वो एम्प के थ्रू आएगी, और मेरी जो बेस ट्यूब है पीछे जो कि आपको वहां पर कहीं देखने के लिए मिल रही होगी, मैं ऐसे दिखा देता हूँ जो कि कुछ एयरी ठीक है। तो ये बेस ट्यूब होगी। यहाँ पर मैं अभी इसमें NCS का कोई गाना प्ले करता हूँ फटाफट। तो मैं ये वाला गाना यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ NCS का, वेरियो मोटल्स NCS का गाना होने वाला। वो अभी 20 पे थी ठीक है, और जो पता है कि एम्पलीफायर जब लगता है तो थोड़ी सी आवाज बढ़ी ही जाती है। तो मेरे अभी जो इसके अंदर रनिंग हो रहे हैं इस एंड्रॉइड पर, वो एम्प के साथ जो रनिंग हो रहे हैं, वो आगे जो डैशबोर्ड के अंदर दो स्पीकर लग रहे हैं, एक उस साइड एक राइट में एक लेफ्ट में, जो डैशबोर्ड में इस गाड़ी के अंदर आते हैं वो, प्लस सीट के नीचे मैंने दो स्पीकर इसके सीट के नीचे रखे हुए हैं, प्लस दो मेरे ओल रखे हैं बिल्कुल पीछे डिग्गी के अंदर। उसके साथ फ्यूजन की बेस ट्यूब लग रही है, और ये रिस्पॉन्स रहा हमारे 9 इंचीज की जो टच स्क्रीन है उसका। अगर किसी को भी ये स्क्रीन 7 इंच या 9 इंच या 10 इंच किसी को भी चाहिए, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, किसी भी गाड़ी के लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो ये गाड़ी आई थिंक सो ये दिल्ली के अंदर शायद ये कुछ ही गाड़ियां हैं जिसके अंदर हमारे जो मॉडल आते हैं 2006 या 7 में गाड़ी आनी शुरू हो गई थी, वहां से लेकर अब तक मेरे ख्याल से ये मेरी गाड़ी में दूसरा तीसरा हो सकता है पहला भी हो, मेरे हिसाब से शायद इसमें पहला या दूसरा ही है इस गाड़ी के अंदर। तो ये मैंने खुद से इंस्टॉल कर लिया, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है आप खुद से कर सकते हो, एक बार मैं बता भी दूंगा किस तरह से इंस्टॉल हो जाता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। स्मूथनेस बोले तो अगर इसका टच वगैरह का रिस्पॉन्स मैं आपको चेकआउट कराऊँ तो ये चीज़ देख लो
बहुत ज्यादा प्यार स्मूथनेस है, ठीक है, बड़ी प्यार से चल जाता है। इवन इसमें हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ठीक है, वाईफाई आपके सामने चल ही रहा है, यहाँ पे ब्लूटूथ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये सारे ऑप्शन है, अगर आप स्क्रीन ऑफ करना चाहते हो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी पूरी की पूरी जो टच है वो पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और सेटिंग्स वगैरह जो भी इसकी रहती है, साउंड सेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो कुछ मिला के प्लेयर अच्छा है। ये जो प्लेयर आता है वो 1 GB में भी आता है, 2 GB में भी आता है, ठीक है। तो आपको कौन सा लेना, वो अगर उससे ज़्यादा आप जाते हो 3 GB 4 GB ऐसा समथिंग जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। बाकी मेरे हिसाब से 2 GB वाला जो आता है वो बहुत होता है, इनफ होता है, आप किसी भी गाड़ी के अंदर यूज कर सकते हो। इससे पहले जो इसके अंदर लगता था वो 2 और 16 वाला था, 2 GB रैम और 16 GB इनबिल्ट मेमोरी वाला प्लेयर था, जो कि मैं आपको एक आपको शुरू में जब अपने वीडियो स्टार्ट करी होगी तब आपको थोड़ा सा देखने मिला होगा, और बाकी कहीं ना कहीं पर इस वीडियो में आपको नजर आ गया होगा कि पहले कैसे था। साउंड नहीं सुनेंगे, लेकिन साउंड तो एज इट इज सेम ही है, क्योंकि एंड्रॉइड में साउंड जो आउटपुट आता है वो लगभग एक जैसे ही आता है। बाकी एम्प लगने के बाद तो हर किसी का आउटपुट बढ़ ही जाता है। फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर किसी को ये चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप जो नंबर आपके सामने ऑर्डर ऑनलाइन वाला जो नंबर आ रहा है तो उस पर आप जाके ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। मेगा सोनिक का 1 ईयर की वारंटी के साथ विद GPS सारी चीज़ मिलती है इसके अंदर आपको, एंड फ्रेम और फ्रेम के लिए, और इसका फ्रेम जो आता है जो हर गाड़ी का अलग अलग होता है उसका प्राइस आपको देना पड़ता है। तो वो सारी आप मुझे DM करो, आप मुझे WhatsApp करो, मेरे इंस्टा पे करो, या फिर मुझे इंस्टा पे DM करो, या फिर मुझे WhatsApp पे करो, आपको रिप्लाई मिलेगा एंड ये चीज़ आपके घर तक आपकी गाड़ी में लग जाएगी। फिलहाल के लिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।